इससे पहले इस तरह का आप जो स्वीट्स है वो नहीं खाए होंगे, नहीं बनाए होंगे, तो देखिए ये एक बार जरूर इसको ट्राई कीजिए। ये हमारा बहुत ही आज का यूनिक और स्पेशल जो है हमारा दूध पीठा जो है वो हमारा बिहार झारखंड केरला सब का फेमस डिश है हमारा है, और ये खाने में बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो चलिए आज झटपट इसको हम बनाते हैं, अब बना करके आप लोग के साथ इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। सो आज मैं आप लोग के लिए फिर एक न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ, तो चलिए इसको रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करते हैं। अब मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए आज का जो रेसिपी है उसको झटपट से बनाकर बनाने के लिए सबसे पहले जो जरूरी है हमको ये चावल के आटे का जरूरत है। तो अगर आप चावल का आटा घर पे बनाना चाहते हैं तो बहुत इजी तरीके से बन जाता है, इसको घर पे बना लीजिए। और नहीं चाहते हैं तो आप मार्केट से इजीली आपको अवेलेबल मिलेगा मार्केट में, तो इसे खरीद करके ले आइए। तो ये हम 4 कप लिए हैं चावल का आटा। आटा एकदम महीन होना चाहिए, फाइन होनी चाहिए, तभी जो आपके दूध पोली परफेक्ट बनेगी। तो ये 4 कप हम लिए हैं चावल का आटा। तो 4 कप चावल के आटा को गूंथने के लिए हम 1 कप लेंगे, उसी कप से हम वाटर 1/4 का मैंने मेजरिंग लेकर के हम चलेंगे। तो इसको हम फ्लेम कर देंगे अब ऑन, और इसको हम कवर कर देते हैं, और इसमें एक बॉयल आने तक पानी को हम गर्म होने देते। जैसे मेरा पानी में थोड़ी थोड़ी बबल्स देखिए आने लगेगी, हम उसमें ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट से जो है इसका दूध पोली का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। इसको हम कवर कर देते हैं, इसमें एक बॉयल आने देंगे। हमारा बॉयल होने लगा है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे चावल के आटे। तो आटा को हमको मिक्स नहीं करना है, बस इसको बीच में डाल देना है, और डाल करके इसको हम बस इस तरह से डालेंगे, और डाल करके इसको 2 मिनट कवर कर देंगे इस तरह से, और इसके बाद हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो चावल के आटे को देखिए हमारा 1 से 1.5 मिनट हम इस तरह से इसको कर लिया, ये स्टीम से जो है चावल के आटे जो अच्छे से पक गए हैं, अब इसको इसी पर ठंडा कर लेंगे और अच्छे से मसल के एक सॉफ्ट डो जो है बना करके रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम पलट लेते हैं एक बर्तन। तो देखिए हम सारे आटे को इसमें पलट लिए हैं, ये हल्का सा गर्म है अभी। तो अब हथेली में हम थोड़ी थोड़ी लेंगे वाटर इस तरह से, और लेकर के इसको मसल करके एक सॉफ्ट और चिकना डो बना करके, और देखिए थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि आटा अभी भी बहुत गर्म है। तो जितना आप इसको सह सके उतना ही गर्म आटा होने का इंतजार कीजिएगा। इसके बाद इस तरह से मसल कर हथेलियों में थोड़ी थोड़ी पानी लगा करके सॉफ्ट और चिकना डो बना करके रेडी कर लेना है। तो देखिए 6 से 7 मिनट हमको लगे हैं, और 6 से 7 मिनट में ये जो डो हमारा परफेक्ट रेडी हो गया है। और देखिए नहीं तो ज्यादा सॉफ्ट है, नहीं तो हार्ड है, मीडियम डो हम बना करके रेडी कर लिए हैं। इस तरह से मसल करके इसको एकदम परफेक्ट बनाना है। तो 5-6 मिनट आपको इसको लगेगी नीट डो बनाने में। अब इस पे एक हम लेंगे टॉवल चाहे कपड़ा, कोई भी मलमल का कपड़ा लीजिए, उसको थोड़ा सा गीला कर लेंगे, और गीला करके इसको इस तरह से कवर करके और इसको हम साइड में रख देंगे। और तब तक चलिए इसकी हम फिलिंग्स बना करके रेडी कर लेते। डो हमारी सेट हो रही है, तब तक इसकी फिलिंग्स बना लेते हैं। तो फिलिंग्स बनाने के लिए ये हम 200 ग्राम लिए हैं जैगरी, इसको बारीक इस तरह से कर लेना है। और 250 ग्राम लिए हैं डेडिकेटेड कोकोनट पाउडर, आप चाहें तो फ्रेश नारियल को भी घिस करके आप बना सकते हैं। बटर बनाने के लिए एक लिए हैं पैन, पैन को गर्म होने देते हैं। जैसे मेरा पैन गर्म होगा उसमें ऐड कर देंगे हम 1 टेबल स्पून ऑफ घी, और घी को मेल्ट होने देते हैं। जैसे मेरा घी जो है वो मेल्ट हो जाएगा तो इसमें अब हम ऐड कर देंगे ग्रेट किया हुआ जैगरी, और इसको हम मेल्ट कर लेते हैं थोड़ी सी इस तरह से चलाते हुए जैगरी को मेल्ट कर लेंगे। तो ये आज का जो हमारा ये डिश है बहुत ही पॉपुलर डिश है जैगरी हमारे। देखिए अच्छे से मेल्ट हो गई है, तो इसकी चाशनी नहीं बनाना, बस इसको मेल्ट करना है। अब ये हम ये डाल देते हैं कोकोनट, और इसको दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम कर देते हैं ऑफ। और बस हमारा ये फिलिंग्स बन करके देखिए झटपट से रेडी हो गई है। तो इसमें और ज्यादा कुछ करने की जरूरत हमारी उधर ठंडी हो रही है, तब तक हम इसके मिल्क को रेडी कर लेते हैं रबड़ी बनाने के लिए। तो उसके लिए लेंगे हम 1 लीटर फुल फैट मिल्क। तो आप फुल फैट मिल्क लीजिएगा तो आपका जो रबड़ी है बहुत ही रिच और क्रीमी फ्लेवर के बनेगी, तो इसीलिए इसमें
कोशिश कीजिए फुल फैट क्रीम। मिल्क हमारी देखिए बॉयल हो रही है, और इसको बीच बीच में इस तरह से हम चलाते रहेंगे ताकि ये तले में लग ना जाए। अगर मिल्क जो है तले में लग जाएगी तो टेस्ट जो है इसका थोड़ी खराब हो जाएगी, ऊपर से मलाई भी आने से जो हमारी रबड़ी का टेक्सचर जो है वो परफेक्ट नहीं होगी। तो इस तरह से चलाते हुए हमको इसको दूध को छनका करके 1 लीटर से 1/2 लीटर इतना बना लेना है। तो देखिए दूध को हम मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से बॉयल होने देते हैं। तो चलिए हम पोली को फिल करके रख लेते हैं, चलते हैं पोली फिल करने के प्रोसेस में। तो देखिए ये जो कपड़ा डालने की वजह से अभी भी मेरा जो डो है वो पूरा सॉफ्ट है, और आपका अगर चिपकने लगे तो थोड़ी सी घी या तेल या फिर वाटर भी लगा सकते हैं। लगा करके इतने छोटे छोटे जो है बॉल्स आप ले लीजिए इस तरह से, और बॉल्स को एकदम से चिकना कर लेंगे, और चिकना करके इसको हम बेल लेते हैं। सूखे आटे में लपेटेंगे और लपेट करके रख लेंगे थोड़े से हम सूखे आटे, और इस तरह से बॉल बना करके हम सूखे आटे में एक बार डस्ट कर लेंगे इस तरह, और हल्की हाथों से इसको हम बेलन से आहिस्ता आहिस्ता बेलेंगे। तो ये जो चपाती बेलनी है हमको एक शीट बेलना है, तो नहीं तो मोटा नहीं तो पतला, मीडियम हम बेलेंगे। ज्यादा पतला जो है चावल का आटा का बिलता भी नहीं है, टूटने फटने लगेंगे, तो इसीलिए इसको मीडियम साइज का हम बेल करके रेडी रख लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा देखिए बेल करके रेडी है। तो ये ज्यादा मोटा नहीं ज्यादा पतला बेलेंगे, परफेक्टली बेलेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे कि एक लेंगे हम धार वाला इस तरह का गिलास या कुकीज कटर कुछ जो भी है, नहीं है तो कैप भी चलेगा, और उससे हम इसके साइज का इस तरह से राउंड राउंड कट कर लेंगे। इससे जो है आपकी पोली जो है बहुत जल्दी बन करके रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से हम बना लेते हैं, एक्स्ट्रा जो है उसको हम साइड कर देंगे इस तरह से। अब इस पर हम रखेंगे थोड़ी थोड़ी ये फिलिंग्स इस तरह से बीच में रख देंगे, और ऊपर का जो दूसरा है इस तरह से प्रेस कर देंगे। अब प्रेस करने के बाद एक ऊपर से एक और सीड इस तरह से हम डाल देंगे, और डाल करके और इस तरह से फिंगर से हम प्रेस कर देंगे। आप चाहें तो फोक से भी इसको प्रेस कर सकते हैं, तो भी जो है आपका ये देखिए पोली जो हमारी वो बन करके रेडी है। तो एक इस तरह के से बना सकते हैं आप, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और ये अच्छे से एकदम इस तरह से दबा दबा करके इसको सील कर लेनी है, और आप चाहें तो इसमें इस तरह से छोटे छोटे डिजाइन्स भी डाल सकते हैं। तो देखने में जो हमारी पोली है बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो इस तरह से हम बना करके रेडी कर लेते हैं। तो एक हमारा ये रेडी हो गया, चलिए एक दूसरे तरीके से बनाते हैं। इस सारे पोली को हम फुलफिल करके रख लिए हैं, तो अलग अलग शेप का हम बनाए हैं, आप भी अपने मन चाहे शेप बना सकते हैं। तो ये हमारा रेडी है, उधर मिल्क भी हमारा बॉयल हो रहा है। तो चलिए इसकी करते हैं आगे के प्रोसेस में। हमारे पूरी तरह से बॉयल आ चुका है, तो अब इसमें हम सारे पोली को एक एक करके इस तरह से ऐड कर देंगे। तो जब तक अच्छे से वह बॉयल ना आए तब तक आपको इस पोली को नहीं ऐड करना है, नहीं तो अगर पहले ही पोली को डाल दीजिएगा तो ये टूटने लगेगा। तो इसीलिए इसका हाई फ्लेम होना चाहिए, और इसको अच्छे से और देखिए जो दूध का कंसिस्टेंसी है वो भी हमारी गाढ़ी होने लगी है। तो इसको हम 2 से 3 मिनट और पकाएंगे, इसको ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि चावल के आटे है और पहले भी इसको गर्म पानी में हम कुक कर लिए हैं, तो इसीलिए ज्यादा इसको करने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम कवर कर देंगे, फ्लेम करेंगे मीडियम। मिल्क हमारी जो है वो गाढ़ी होने लगी है, और इसका अभी जो है पोली हमारा वो कुक अच्छे से हो गया है, और दूध के कंसिस्टेंसी देखिए हमारा अच्छे खासा ठीक में आने लगा है। तभी से स्टेज पर ऐड कर देंगे हम ये 200 ग्राम शुगर। तो मीठा आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिए, कम या ज्यादा, जितना मीठा आप खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। और इसको भी 2 से अभी और 2-4 मिनट इसको हम कुक करेंगे, जो कि शुगर का जो कच्चापन है वो अच्छे से कुक हो जाए, और मिल्क जो है वो अच्छे से, और हमारा इसमें से थोड़ी सी हम मिल्क जो है वो निकाल लेंगे एक बॉल में, इसमें हम भिगोएंगे केसर। ऑलमोस्ट हमारा जो ये है दूध पोली वो रेडी है। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं केसर वाली दूध, जिससे हमारी कलर भी आएगी और फ्लेवर भी आएगी। तो इसको हम इस तरह से ऐड कर देते हैं, और ऐड करके इसको 1 से 2 मिनट और हम पकाएंगे, और थोड़ी सी दूध का जो है
थिकनेस और हम गाढ़ी कर लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारे जैसे जैसे थोड़ी सी टेम्परेचर जो है इसकी कम होगी और अभी हमारी ये गाढ़ी होते जाएगी, तो इसके सामने आपकी रसमलाई देखिए। दूध हमारी एकदम परफेक्टली गाढ़ी हो चुकी है, इतना ही गाढ़ी है, इसका साउंड भी देखिए तो चटकने का आवाज आ रही है। तो ये हमारी रबड़ी की तरह दूध जो है वो गाढ़ी हो गई है, तो इतना ही गाढ़ी हमको इसमें दूध चाहिए। तो इसका फ्लेम अब हम करेंगे ऑफ और इसको हम थोड़ी सी ठंडा कर लेते हैं, इसके बाद ही इसको हम सर्व करेंगे। तो देखिए कितना इजी और कितना हमारा परफेक्ट जो है ये बन करके रेडी हो। हम सर्व करते हैं, इतनी ऑथेंटिक ये रेसिपी है, तो इसकी सर्व करने का तरीके भी ऑथेंटिक ही अपनाते हैं। तो चलिए आज हम सर्व करते हैं ये हमारा परफेक्ट, देखिए वाओ रसमलाई से भी बेहतर बन करके ये हमारा रेडी है आज हमारा ये दूध पोली। तो अगर ये रेसिपी आप नहीं खाएं तो कुछ भी नहीं खाएं, इसके सामने सभी स्वीट्स जो हैं वो फेल हो जाएंगे, इतने ये फ्लेवरफुल और टेस्टी हमारा ये बनता है। तो इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और ये एक बार इस खा लीजिएगा तो फिर तो इसका टेस्ट कभी आप भूल नहीं पाइएगा, इतना ही बेहतरीन बनता है। और इस तरह से आप तो देखिए कितनी क्रीमी और गाढ़ी टेक्सचर वाली हमारा ये आज का जो रेसिपी है रेडी है। अब इसको हम थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऊपर से। तो ये हमारा लाजवाब और टेस्टी दूध पोली या दूध पीठा जो आप अपने लैंग्वेज में बोलते हैं वो हमारा रेडी है। तो इस तरह से बनाइए और एक बार सर्व कीजिए और इतना फ्लेवरफुल टेक्सचर इसकी अच्छी रहती है कि आपका इसका टेस्ट की लत लग जाएगी, इतनी अच्छी ये बनती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और कम मेहनत में बनती है। तो इसको आप सब कीजिए इस विंटर में, और मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं आप लोग के साथ न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।